हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस मूवी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बारे में। 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब सामने आ चुका है इंडिया में इस फिल्म ने, जहां पे 115 करोड़ की कमाई की, 115.51 करोड़। तो इंडिया के बाहर का जो इसका कलेक्शन आया है वो 62 करोड़ के आसपास का आया है। तो इंडिया में जो इसका ओवरऑल हम अगर ग्रॉस कलेक्शन देखा जाए इंडिया का 115 करोड़ का जो ग्रॉस कलेक्शन है 161 करोड़ तक आया है, 161 करोड़। और उसके अलावा जो बाहर का कलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया 62 करोड़ तक आया है। तो दोनों को अगर हम मिला ले तो हमें जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो मिल रहा है कि ग्रॉस कलेक्शन 161 प्लस बाहर का कलेक्शन 62 करोड़, तो हमें मिलता है 224 करोड़ वर्ल्ड वाइड टोटल। जी हाँ, फिल्म ने 224 करोड़ कमा लिए है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। और जिस तरह से फिल्म चल रही है इतना तो आप समझ लीजिए कि 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड लेवल पर आराम से कमा लेगी आने वाले एक हफ्ते में। इंडिया में इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, थोड़ा मतलब अर्निंग थोड़ी कम जरूरी हुई है क्लैश की वजह से, बट फिर भी एक अच्छी तरह से फिल्म चलेगी इसमें कोई डाउट नहीं है। शाहरुख खान की जो एक्टिंग है रईस की बहुत ज्यादा पसंद की है लोगों ने, उनके जो डायलॉग डिलीवरीज थी बहुत अच्छी पसंद की है, उनका जो स्टाइल स्टेटमेंट था, जो चश्मा पहनना, जो अंदाज में बोलना, जो एक एंग्री वाला जो फील था उनका, वो दर्शक इतना जल्दी नहीं भूलेंगे। और इतना तो तय है कि शाहरुख खान की इस फिल्म ने वापस से उन्हें जो मकाम जो उनका था उस पे लाके खड़ा कर दिया है। और सीधी सी बात है, वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार है शाहरुख खान, तो उनकी जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। यूएसए, कनाडा, वहां पर भी बहुत ज्यादा, और अरब कंट्रीज में बहुत ज्यादा उनका क्रेज है, इसलिए ये फिल्म उन सभी सर्किट्स पे बहुत अच्छी चल रही है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है फिल्म। तो ये सब चीजों को देखते हुए ही जो इंटरनेशनल कलेक्शन जो आपको बताया इंडिया के बाहर का, वो 62 करोड़ आया, जो बहुत बड़ा कलेक्शन कहा जा सकता है। और इसलिए फिल्म ने 224 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पर कमाने में कामयाब रही है और अच्छी तरह से कमाल कर रही है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।